Puspa, Pusparaj, यह वत्तेक्के दले। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा द राइस को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए इस वक्त सातवां हफ्ता चल रहा है, लेकिन ये फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करके बॉलीवुड के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 17 दिसंबर को रिलीज हुई पुष्पा द राइस जिस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा टोटल 5 भाषाओं में रिलीज किया था। फिल्म लगभग सभी भाषाओं में थिएटर से उतर चुकी है, लेकिन फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो अभी भी सिनेमा घरों में चल रहा है और डेली अच्छी खासी कमाई करते जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें पुष्पा द राइस के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि सुकुमार के डायरेक्शन में बनी पुष्पा द राइस को अपने पहले हफ्ते में हिंदी वर्जन में रिलीज किया गया था 1000 स्क्रीन पे, लेकिन जैसे जैसे फिल्म के कलेक्शन बढ़ते गए वैसे ही इस फिल्म की हिंदी में स्क्रीन भी बढ़ती चली गई थी। और अभी के हालात दोस्तों ये है कि इस वक्त सिनेमा घरों में अगर कोई फिल्म चल रही है तो वो है सिर्फ पुष्पा द राइस। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है, जिसके चलते जितने भी सिनेमा घर है सभी सिनेमा घरों में सिर्फ अल्लू अर्जुन के पुष्पा द राइस ही चल रही है, और इसी का फायदा फिल्म को मिल रहा है और फिल्म ने अपने सातवें हफ्ते में भी ताबड़तोड़ कमाई कर ली है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बता दें कि अल्लू अर्जुन के पुष्पा द राइस ने शुरुआती 6 हफ्तों के अंदर हिंदी नेट कलेक्शन किया था 97.75 करोड़ रुपए। वही दोस्तों फिल्म ने सातवें हफ्ते में एंट्री लेते ही शुक्रवार के दिन कमाए 45 लाख रुपए। वही सातवें शनिवार फिल्म का कलेक्शन था 75 लाख रुपए, और पुष्पा द राइस ने कल यानी कि सातवें रविवार हिंदी नेट कलेक्शन किया लगभग 1.20 करोड़ रुपए का। इसी के साथ दोस्तों पुष्पा द राइस का शुरुआती सातवें हफ्ते के वीकेंड तक टोटल हिंदी नेट कलेक्शन हो चुका है 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। जी हाँ दोस्तों, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइस हिंदी नेट कलेक्शन 100 करोड़ रुपए का कर चुकी है, और इसी के साथ अल्लू अर्जुन के पुष्पा द राइस हिंदी मार्केट में एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। वैसे दोस्तों, आप पुष्पा द राइस ने इतनी शानदार कमाई की है तो पूरी उम्मीद है कि जब पुष्पा पार्ट 2 यानी कि पुष्पा द रूल रिलीज होगी तब वो फिल्म हिंदी मार्केट में कम से कम 300 करोड़ की कमाई कर सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, पुष्पा द रूल बॉक्स ऑफिस पर हिंदी नेट कलेक्शन कितना करेगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।